नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो वेव है उसका t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पर शेप दे के रखा है, ठीक है। शेप का मतलब ये y एक्सिस होना चाहिए और ये x एक्सिस होना चाहिए। यदि यहाँ पर t होता तो वो शेप नहीं होता, वो ग्राफ होता जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे ये क्रस्ट p और इस क्रस्ट जो दूसरा क्रस्ट है उसके बीच का जो सेपरेशन है वो 7.5 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर होगी, राइट। ओके, ये वाली वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर दी है, दैट मींस इसका मतलब क्या है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, राइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन इज 2 सेंटीमीटर एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो ध्यान से, इफ द क्रेस्ट पी वॉज एट x इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पे उसने बोला है कि अभी क्रस्ट कहाँ दिख रहा है, हमें 1.2 सेंटीमीटर आगे शिफ्टेड दिखता है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि t इज इक्वल टू 0 जब था तब जो क्रस्ट था वो x इक्वल टू 0 पर था, मतलब वो जो शेप दिख रहा होगा वो शेप कैसे दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप से, राइट। ये क्रस्ट जो है पहले यहां था, p वाला क्रस्ट कब की पोजीशन थी है t इज इक्वल टू 0 की, लेकिन अभी जो क्रस्ट है वो कहां चला गया, यहां चला गया। That means wave इस direction में travel कर रही है, right? पहला conclusion जो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं that wave is traveling in so we can say wave is traveling in plus x axis, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर क्रस्ट यहां था, अब वो आगे मूव कर गई, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस उसने मूव किया है उस इंस्टेंट में, 1.2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय क्रस्ट p इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस से क्रस्ट मूव कर चुका है ना। कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू 0 पर वो यहां था और t इज इक्वल टू 0.3 पर वो 1.2 सेंटीमीटर पर, जो टाइम लगा होगा, टाइम टेकन बाय द क्रेस्ट पी मस्ट बी इक्वल टू 0.3 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम लगा हुआ है, क्लियर। तो यहां से अपन इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम स्पीड ऑफ वेव पता कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द traveled by the wave upon time taken। ये अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि speed of the wave is constant, तो सीधा सीधा distance divided by time कर देते हैं। wave ने या फिर pulse ने इतनी distance travel करी है इस 0.3 second में, तो direct इसकी value होगा, तो speed of wave vw we write is equal to कितना distance travel किया, 1.2 सेंटीमीटर, कितने टाइम में, 0.3 सेकंड में। तो यहां से जो स्पीड आएगी दैट विल बी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है उसने, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पूछी है ना। अब ध्यान से देखना, यहां पर t इज इक्वल टू या फिर x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां था, है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल फेज होगा, तो जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें अपन फाई का फेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा आया है दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने एक और इंफॉर्मेशन जुगाड़ ली, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि और क्या हमें चाहिए होगा इसके लिए, ये मिटा रहा हूं। अब हमारे पास स्पीड ऑफ वेव है लैम्डा है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास लैम्डा है, v है, तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव होती है दैट इज लैम्डा बाय t, राइट। या फिर मैं t को 1 बाय f लिख दूं तो लैम्डा f हो जाएगा, है ना। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, vw
लैम्डा, ठीक है। तो वी डब्ल्यू कितना हो गया, वी डब्ल्यू जब अपन निकाला था 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई करें, कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10, ठीक है। दिस इज पर सेकेंड, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। या फिर इसको अपन और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कट पिट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा नीचे, और नीचे कितना आ जाएगा बेसिकली 15, ठीक है। 8/50 पर सेकेंड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब हमको वेव की इक्वेशन लिखना है, तो वेव की इक्वेशन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये किस तरफ जा रही है, ये जा रही है प्लस x एक्सिस में, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस सेलेक्ट करेंगे एंड प्लस y करेंगे। प्लस y बेसिकली इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। यदि t इज इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं था तो जो भी होगा वो यहाँ पे ये बता देगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या a है, बिल्कुल है ये रहा, क्या हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा तो नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी है, तो वहां से ओमेगा आ जाएगा 2πm, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास k है, क्या k नहीं है लेकिन लैम्डा है, वहां से लैम्डा से आ जाएगा ये, क्लियर। ओके, या फिर इसको अपन दूसरे फॉर्म में लिख लें, दूसरा फॉर्म क्या होता है इसका, इसका दूसरा फॉर्म अपन सीधे लिख सकते हैं 2π बाहर अंदर होता है t by t माइनस यहाँ पे होता है 2π, ठीक है, माइनस 2π x by lambda, 2π तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो बेसिकली t by t हो जाएगा, t by t माइनस x by lambda, और यहाँ पर मैं प्लस फाई ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ब्रैकेट को मैं बदल देता हूँ, ये बन रहा होगा, क्लियर। अब बस वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वैल्यू इसकी पुट करें, y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू साइन 2π t बाय कैपिटल t, कैपिटल t की वैल्यू इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा 15/8, ठीक है, तो हो जाएगा 15/8 माइनस 2π x बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस 5, क्लियर। ओके, तो अब हम ये 5 कैसे निकालें, 5 तो हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको एक और चीज पता है, क्या कि x इक्वल टू 0 पर, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर x 0 था, एज वेल एज जो p पॉइंट था वो क्रश था, ये वाली सिचुएशन, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी p पोजीशन की y वैल्यू होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 y वाज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन, इसको 0 पट का, इसको 0 पट का, प्लस 5 बच गया, तो ऐसे साइन 5 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन फाइव इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फाइव मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं इसको फाइव बाई टू, क्लियर है। तो फिर अब क्या करें, इसको फिर से यहाँ पर वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू फाइव बाई टू रख देते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी वेव की दैट विल बी इक्वल टू, ये मिटा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द वेव वाई इज इक्वल टू 2 साइन, इसको सिंप्लीफाई ऐसे रहने दो, 16π/50 t माइनस ये हो जाएगा 200π/7.5 x प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब मैं इसको एक थीटा बोल देता हूँ, ये पाई बाई टू है, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो y हो गया 2 cos 16π/50 माइनस 200π/7.5 x, दैट्स इट, क्लियर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव,
ऐसे हम इक्वेशन निकालते हैं। देखा हमने शुरू कहाँ से किया था, इस पूरे डायग्राम से किया था। इस डायग्राम के जितनी भी पॉसिबल हम जो ऑब्जर्वेशन बना सकते थे वो हमने बना ली। उसके बाद जो जो हमको रिक्वायरमेंट था इक्वेशन बनाने के लिए वो चीज़ हम निकालते गए। क्लियर। जैसे हमने पहले स्पीड ऑफ वेव निकाला बाय द कॉन्सेप्ट दैट जितना क्रस्ट या डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रेवल किया होगा, सो डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम विल बी स्पीड ऑफ वेव, है ना। दूसरी चीज़ हमने क्या कैलकुलेट करी, हमको इस इक्वेशन बनाने के लिए लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी, तो हमने वो भी निकाल ली। क्लियर। फिर लास्ट में हमने फाई, ये फाई क्यों लिखा इस बार, क्योंकि यदि फाइव जीरो आ जाता तो अपना साइन वाला ग्राफ बन जाता, लेकिन फाइव जीरो नहीं हुआ तो इसलिए हमको ये जनरल लिखना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो फाइव हमने लिख लिया। फिर एक इनिशियल कंडीशन लगाई, इनिशियल कंडीशन क्या थी कि टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो था और क्रस्ट जो था वो ओरिजिन पर था। तो क्रस्ट का ओरिजिन पर होना मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वाई की पोजिशन होगी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि क्रस्ट है, राइट। तो क्रस्ट की डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दी, इसको इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से फाइव निकल आया, फिर से उसको इक्वेशन में पुट किया तो फाइनल इक्वेशन निकल गया। क्लियर।